लिए मेरे पास एक काम है, तुम मेरी बात सुनो, इधर आओ, तुम शॉपर पकड़ो, जाके लोगों के घर से गोश्त इकट्ठा करके आओ। तो यार उन्होंने जो है ना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, वी आर बैक एक और व्लॉग के साथ। तो क्या चल रहा है, खा खू रहे हो सही तरह गोश्त पेट भर भर के? तो यार उठते जो है ना बड़े सख्त भूख लगी हुई थी, तो मामा को कहा फटाफट से खाना बनाए इससे के पहले बिल्कुल बस हो जाए। तो अभी जो मामा खाना बना रही है आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या बन रहा है। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने फरहान वाला स्लोगन को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को भी ला दूंगा ताकि आप बार बार मिलते रहे। बार बार मिलना बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेल आइकन को भी जो है ना लाजमी दबा। मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि मामा जो है क्या बना रही हैं। तो यार माशाल्लाह मामा ने देखिए ना बड़ा ही प्यारा गोश्त बनाया है। मैं जैसे वीडियो पे एंट्रो करा था तो मामा ने बना लिया हुआ था। तो ये देखिए बड़ा ही मज़ेदार लग रहा है। आए हाय हाय, देखिए क्या ही इसका जो है ना रंग है, हुए हुए मज़ेदार। यार रोटी शोटी जो है बिल्कुल तैयार हो गया, हमारे जो खाना बिल्कुल एकदम रेडी हो गया हुआ है। इसके पहले जो है देखे ठंडा हो जाए, थोड़ा फटाफट जो है खा लेते हैं। तो फिर मैं बर्गर लेके आया, दूसरे के लिए जो है नहीं खाती है, देखिए बर्गर लेके आया उसके लिए। ये जो है ना ये बड़ा गोल छोटा गोल जो के खाती बिल्कुल नहीं खाती है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? ये तो खाने वाली चीजें होती है, ये खाती नहीं है ये। अभी मैं तो खाऊ, मैं भी बैठा हुआ इंतजार कर रहे हैं। बड़ा रोटी का बड़ा मजेदार लग रहा है यार। ये देखे साथ ये रोटी है, पापा भी बैठे हुए हैं, सारे बैठ के ज्यादा खा रहे हैं तो मजेदार। तो यार रोटी छोटी जो आपकी बहन ने खा ली है, बहुत मजा आया यार। सही बता मामा ने बड़ा ही जबरदस्त जो है ना खाना बनाया था। जैसे ही आपके बहन ने एक बाइट बर्गर के मुंह में डाला, आ हा हा सही बात है, मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त खाना बना था। पता नहीं कौन से लोग हैं वो जिनको जो बड़ा गोश्त छोटा गोश्त जो है पसंद नहीं होता। अल्लाह के बंदो, यही तो खाने वाली चीज़ें होती है जिसे ताकत बनती है, जान बनती है। आप लोग ये खाते नहीं है, हमारे घर में मेरी बहन नहीं खाती है। अभी जो है उसे मैंने ना फिर जाके बर्गर ला के दिया, अंडे वाला बर्गर उसे मैंने ला के दिया। इसी इन्हीं चीज़ों से जो फ़ायदा होता है ये खानी चाहिए। और यही जो है ना कई लोग नहीं खाते जी, बड़ा गोश्त नहीं पसंद जी, छोटा गोश्त नहीं पसंद, इसी से जो जान बनती है। तो यार जैसे कि कल के मैंने आपको कहा था कल का जो व्लॉग है बड़ा ही मज़ेदार आएगा। कल के व्लॉग में प्लान होगा कि हम कहीं बाहर जाएंगे, तो बाहर जाने का प्रोग्राम तो ये है कि यार आज सुबह जो है ना बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी जिसकी वजह से सारा पानी खड़ा हो गया। यानी कि हमारे जो रोड है ना ये वाला, ये सारा पानी खड़ा हो गया, और इतना पानी खड़ा हो गया है, टांगों से ऊपर ऊपर तक पानी खड़ा हो गया। बल्कि मैं आपको जाके दिखाता हूँ कि कितना पानी खड़ा हो गया। मे भी जो प्लान है शायद कैंसिल हो जाए, या कोई पता नहीं है कि अभी क्या होगा। लेकिन मैं आपको जो पानी दिखाता हूँ कि पानी ये सारा ऐसे खड़ा हुआ है। तो ये मेरी खड़ी हुई है जी, मेरी खड़ी है टार्जन खड़ी हुई है। पानी मैं आपको मैं दिखाता हूँ, पानी पूरा पानी तो सूख गया हुआ है, वो खड़ा हुआ उधर आगे नज़र आ रहा है आपको, जिसकी वजह से जो पानी जो है ना सारा खड़ा हो गया। बारिश हुई है उस तरफ भी खड़ा हुआ है और इस तरफ भी जो है ना पानी खड़ा हुआ है। प्लान अभी जो है देखते हैं कि क्या करना है। फिलहाल तो बैठे हुए हैं सुकून से। माशाल्लाह जो है ईद का दूसरा दिन है, सबको जो है ईद का दूसरा दिन बहुत बहुत मुबारक हो। अभी देखते हैं यार के प्लान जो है क्या डिसाइड होगा, जाना है या नहीं जाना, क्योंकि पानी खड़ा था। तुम्हारे बगैर भी लोग हैं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, तुम मेरी बात सुनो, इधर आओ, तुम शॉपर पकड़ो, जाके लोगों के घर से गोश्त इकट्ठा करके आओ। तुम्हारे लिए बड़ा ज़बरदस्त काम, मतलब कि बस इतना महंगा गोश्त है ऐसे आगे पीछे लेने जाए यार 1800 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो मिलता है। वही ईद चीद है, लोगों ने फ्री गोश्त देना, तुम्हें सारा से जाके सिर्फ इतना करना, बाजी जरा गोश्त दे दो, सिर्फ इतना करना तुमने। शॉपर की टेंशन है नहीं, शॉपर तो मैं दूंगा, घरों घरों में जाना गोश्त इकट्ठा करके आना। हर ईद पे इसका काम होता है, ऊपर वाला खाना जो होता है वो इसने भरना होता है। ये इसको मैंने कल भी कहा था, इसने कल मेरी बात नहीं मानी है। तो आज आखिरी दिन है, कल जो है बड़ी थोड़ी कुर्बानी करेंगे लोग। आज भी मौका था, कल भी मौका है, तो गोश्त पकड़ो, मतलब शॉपर पकड़ो, जाके गोश्त इकट्ठा करके आओ। तो यार इस ईद पे जो है ना बड़ी नानसाफी हुई है हमारे साथ। पिछले हर ईद पे जो है ना हम अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी करते हैं, लेकिन इस ईद पे जो है ना हमने कुर्बानी नहीं की यार, हमने कुर्बानी नहीं की है, मैं यार गोश्त नहीं इकट्ठा हुआ यार, कितनी गलत बात है। मैं आपको ऊपर वाला खाना दिखाता हूँ, ये देखिए
यार ये एक ये दो ये तीन ये भी मेरे ख्याल है ये वाला जो है ना ये वाला ये कल हम पप्पू को पता पप्पू के घर गए थे पप्पू के घर से है ये जो है ये भी मतलब कि उन्होंने ना लेके रखा हुआ था ये वही से यार इकट्ठा हुआ सिर्फ दो दो शॉपर पड़े वो छोटा सा शॉपर में क्या गोश्त होता है यार गोश्त ही इकट्ठा हुआ बहुत बुरी बात है यार प्रैंक हो गया आपके साथ तभी मेरा दिमाग चला इसलिए मैंने जुबान का जुबान तुम पकड़ो शॉपर जाके लोगों के घर से गोश्त इकट्ठा करके आओ ताकि हमारा भी ऊपर वाला खाना देना वो भर जाए तो यार अभी जो है ना बड़ी अम्मी हमारे घर आ रही हैं बड़ी अम्मी के आने से पहले जो है ना थोड़ा सारा सामान चाहिए तो हम जाके ना सामान ले आते हैं सामान मतलब कि खाना वगैरह बनाना है उसमें जो डलना है मसाले वगैरह जो होते हैं वो ही चाहिए तो ना हम जो सामान है वो जाके हम ले आते हैं तो यार हमारा सामान हो गया पूरा हम घर जा रहे हैं यार घर जो है हम पहुंच गए हैं सामान मामा का सामान सारा आ गया ठीक है ये पड़ा हुआ आपका सारा सामान सब कुछ पूरा हो गया सब कुछ मिल गया ठीक है ऐसे बना क्या रही है वाओ हमारा जो है पुलाव बना रही है पुलाव जो है आपको फिर दिखाएंगे कैसे कैसे बनता है साथ साथ ये तो बड़े मजे की याद इसलिए लग रही है देखो यार ये कभी पिया हो ना हुए सुभान अल्लाह तो यार बड़ी मी जो है वो पहुंच गई हुई है इस टाइम जा रहा है खाना खाने में वो बिजी है खाना खा रहे हैं जिस तरह के मैंने कहा था कि चावल जो है बने हुए हैं वो मैं दिखाने से यार मैं बाहर गया हुआ था जिसकी वजह से मैं वो ना आपको दिखाने से कि चावल कैसे बना चावल इस टाइम मेरे सामने पड़े हुए हैं हमें जो है ना मुझे जुबरान को दानियाल को इस रूम में दे दिया बगैर जो है सारे बड़े बड़े उधर खा रहे हैं बैठ के हमारे जो ये चावल ये पड़े हुए हैं ये देखे ये चावल ये मेरे हैं ये दानियाल के ये जुबरान के हम तीनों जो है यहाँ बैठ के खाएंगे तो अभी जो है थोड़ी देर तक फिर कर देखते हैं कि क्या करना है कौन सा प्लान होगा या कैंसिल होगा या जाना होगा अभी कुछ नहीं पता फिलहाल जो है ना बैठ के रोटी शोटी खाते हैं उतनी देर का वो भी कर लेंगे कि क्या करना है हाय 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 गोश्त वाले चावल हुए हुए सुभान अल्लाह यार सुभान अल्लाह बड़ी ज़बरदस्त जो है ना आए हाय वो बोटी आई नहीं रही यार बोटी तुमने नहीं आना चलो ऐसे वाह कसम से बड़ा ही मज़ेदार बन रहे हैं बड़े मज़ेदार को पता है जब बड़े गोश्त वाले यानी कि गोश्त वाले चावल और मज़ेदार ना बने हो ऐसा हो सकता है बड़ा तो यार उन्होंने जो है ना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया लख दी वो कह रहे हैं कि बारिश हुई है बाहर कीचड़ वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा होगा जिस वजह से जो है ना यानी कि नहीं जा सकते हैं काफ़ी हाँ जी वो कह रहे हैं उन्होंने प्रोग्राम कल का कह रहे हैं हम कल जाएंगे आज आज रहने देते हैं हम तो कोई बात नहीं यार अगर आज कैंसिल हो गया इंशाल्लाह कल से ही फिर कल भी देख रहे हैं कल भी आ जाएगी तो कल इंशाल्लाह चले जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड तो कोई बात नहीं टेंशन नहीं लेनी यार अगर आज नहीं गए तो फिर ये कल चले जाएंगे और क्या होगा हो तो कुछ हो नहीं सकता आप कैंसिल कर दें इसमें बड़ों ने कैंसिल किया इसमें हमारी अब क्या गलती है हम क्या करें जो उन्होंने कहना वो मानना ही मानना जारी सी बात है तो यहाँ पर जो है मैं कर रहा हूँ ब्लॉग को एंड तो अभी तक आपने फ्रांस वगैरह को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हम बार बार मिलते रहे फिर